समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं राज्य भर में घटित कुछ खास खबरों पर। जहां पूरी दुनिया में विश्व योग दिन बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, वहीं नागपुर में भी इस दिन को विभिन्न संगठनों के माध्यम से सेलिब्रेट किया गया। शहर के सीफा फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर की ओर से विश्व योग दिवस पर परिसर की महिलाओं ने योगाभ्यास कर इस दिन के महत्व को जनमानस तक पहुंचाने की कोशिश की। योगासन कर इंसान विभिन्न बीमारियों से दूर रह सकता है, स्वस्थ और मस्त जीवन जी सकता है, ऐसा अमूल्य संदेश भी फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर की विन के साथ सनी भोंगाड़े, शंखनाद न्यूज, नागपुर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पिरामिड योग समूह व अथर्व नगरी बेसा पिंपा रोड इनके संयुक्त तत्वावधान में पिरामिड ब्लॉक्स में योग दिवस का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं तथा बच्चों सहित 250 लोग ने कार्यक्रम में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम की शुरुआत में योग शिक्षक केशव खांडवे द्वारा शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार योग के सभी आसन करवाए गए। इसके पश्चात योग गुरु रिसाल दारजी द्वारा योग के सामान्य आसन करवाए गए। कार्यक्रम को सफल बनाने में सुनील यादव, राजेंद्र बावनकर, मानाराम जांगिड़, अरुण इटनकर, संध्या खनगर आदि ने विशेष योगदान दिया। कार्यक्रम के अंत में सुनील यादव के सौजन्य से शरबत का वितरण किया गया। कैमरामैन प्रवीण के साथ सनी भोंगाड़े, शंखनाद न्यूज, नागपुर। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद। पूर्व वायु सैनिक कल्याण संघ इवान नागपुर और अमर जवान स्मारक अजनी चौक नागपुर की ओर से शहर के अजनी चौक पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। अपने शहर और परिजनों से दूर रहकर यह जवान देश की सुरक्षा करते हैं। यह जवान कभी बर्फीले पहाड़ों में तो कई घने जंगलों में काम करते हैं। ऐसे में योगाभ्यास से इन जवानों में ऊर्जा का वास होता है। आज किए गए इस आयोजन में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के अधिकारियों के साथ नागपुर की महिलाएं और नागरिक भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में पिछले रविवार को कामठी में सड़क दुर्घटना में शहीद हुए अमर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। प्रसिद्ध योग प्रशिक्षक डॉक्टर राजेंद्र चौधरी एवं सहायक रवि सूर्यवंशी ने योग अभ्यास के बारे में सविस्तर जानकारी दी। उठते हैं या घर में ज्यादा महिलाओं का काम हो जाता है तो इस क्रिया के करने से आपका कमर दर्द गायब होगा। धीरे धीरे सामने पांव मिलाकर दूसरे पांव से लेफ्ट लेग को सामने की ओर करेंगे, दोनों हाथों को आगे की ओर करेंगे, फिर ऊपर की ओर ले जाइए, फिर घुटना मोड़िए, सामने वाला पीछे वाला सीधा रहेगा और शरीर से पीछे की ओर। कैमरामैन प्रवीण के साथ सनी भोंगाड़े, शंखनाद न्यूज, नागपुर। मानव जीवन में योगासन का अद्वितीय महत्व है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने विश्व योग दिवस के मौके पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि स्वस्थ और सुखद जीवन के साथ साथ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से योगा करना आवश्यक है। विश्व योग दिवस के अवसर पर धंतोली स्थित यशवंत स्टेडियम में नगर निगम और जिला प्रशासन का संयुक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समय गडकरी बोल रहे थे कि आज हमारी जीवन शैली पूरी तरह से बदल गई है। आज हर किसी को तनाव का सामना, नियमित रूप से योग करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है, इसलिए स्वस्थ जीवन जीने के लिए सभी को योग अवश्य करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि योग के माध्यम से रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। कैमरामैन प्रवीण के साथ सनी भोंगाड़े, शंखनाद न्यूज, नागपुर। नीट के परीक्षा के बीच देश भर में चल रही धांधली को लेकर कांग्रेस पार्टी आक्रामक हो चली है। आज नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शहर के वैरायटी चौक पर जाकर आंदोलन किया। कार्यकर्ताओं ने कीचड़ आंदोलन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतीकात्मक पुतले को कीचड़ से सन दिया। साथ ही बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
नीट की एग्जाम में हो रही धांधली को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो पूरी तरह से आक्रामक हो चुके हैं। शहर के वैरायटी स्क्वायर में देखें तो आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से कीचड़ फेंको आंदोलन किया गया है। इस वक्त हमारे साथ में नैश लीजिए, हम जानेंगे क्या बताएंगे आज कीचड़ फेंकने के नौबत आ गई। देखिए आपने कहा आक्रामक, अगर आपके बच्चे की पूरी साल भर की मेहनत अगर उठा करके बोल दिया जाए कि दूसरा जो ग्रेस मार्क्स भी नहीं ले सकता उसको अगर पास कर दिया तो आप पे क्या बीतेगी। मैं महाराष्ट्र की बात बताती हूँ, अंधेरी में एक ऐसा सेंटर था जहाँ पे पेपर 10 मिनट लेट पहुँचा, आपने 40 मार्क्स स्टूडेंट को ग्रेस के दे दिए। महाराष्ट्र के अंधेरी के दो सेंटर पे एक एक घंटा पेपर लेट पहुँचा तो आप उसको कितने मार्क्स दे दोगे? मतलब बैठे बिठाई आपने 150 मार्क्स दे दिया तो मतलब दूसरे बच्चे जो इतने ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, उनके माँ बाप जो इतना खर्चा कर रहे हैं, तो क्या वो झकमारी कर रहे हैं? मतलब देश के प्रधानमंत्री क्या साबित करना चाहते हैं? देश का युवा पढ़े ही ना, देश का युवा आगे बढ़े ही ना, आप सीधे सीधे देश के लोगों की स्वास्थ्य के साथ आप खेल रहे हैं। मैं इसका सीधा इल्ज़ाम लगाती हूँ नरेंद्र मोदी का कि वो चाहते ही नहीं कि भारत का देशवासी स्वस्थ रहे। आप मुझे बताइए जिस तरीके से बार बार नीट के पेपर्स लीक हो रहे हैं, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये वही प्रधानमंत्री है जिनकी बीए की डिग्री पहले आती है और टेंथ और ट्वेल्थ की बाद में, तो आप इनसे और क्या अपेक्षा कर सकते हैं? मैं पूरी तरीके से इसके खिलाफत में आपको बोलती हूँ। टीचर से संध्या आज आपने नरेंद्र मोदी के पुतले को क्या? देखिए सबका अपना अपना विरोध जताने का एक दायित्व, अपना एक तरीका होता है। मैं देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा जो है उसके पद की मैं सम्मान करती हूँ, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँ। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने ये सोचना चाहिए कि ये खेला बन कर ये अब ये बिल्कुल नहीं चलेगी। और मैं आपको बताती हूँ आपके चैनल से 8 महीने नहीं, बिल्कुल ये उसका वो नहीं है। देखिए नीट का जो है, देखिए कांग्रेस का स्तर इतना नीचे नहीं है, हम चीज़ों को हम मुद्दों से हम भटकते नहीं है। नीट का पेपर पूरे देश का पेपर है और यहाँ से बच्चे बाहर भी जाते हैं फॉरन पढ़ने के लिए। ये देश की अस्मिता पर एक कीचड़ उछाला है नरेंद्र मोदी ने। आपने जो कीचड़ की बात की ना, पूरे छात्रों के ऊपर, पूरे उनके माँ बापों के ऊपर और देश के स्वास्थ्य के ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने कीचड़ मारने जो मायूती की सरकार, जो इतना बड़ा नीट का घापला हुआ उस पर ये मौन व्रत क्यों रखी है, क्यों खामोश है? मोदी सरकार को उसका जवाब देना चाहिए। और हमारे नेता नाना भाऊ पटोले की हम ऐसी तरह की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी सरकार को रोजगार और ये सब पे काम करना चाहिए, नहीं तो ऐसे हमारा आंदोलन जारी रहेगा। नाना पटोले के खिलाफ जो आंदोलन किया गया उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नाना पटोले के जो खिलाफ आंदोलन कर रहा था उसी के खिलाफ आज हमने कीचड़ फेंको आंदोलन किया है। अगर से ये माफी नहीं मांगेंगे नाना भाऊ की जो इन्होंने इंसल्ट की है, तो हमारा आंदोलन ऐसे जारी रहेगा। कार्यकर्ता का गुस्सा देखकर पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त वैरायटी चौक पर लगाया गया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने रास्ते पर बैठकर ही आंदोलन जारी रखा, जिसके नतीजन आंदोलन की उग्र भूमिका देख पुलिस ने कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। आप देख रहे हैं कि 10 साल से बीजेपी की सरकार थी, 10 साल से बीजेपी की सरकार इसलिए बनी क्योंकि लोगों ने उस पर विश्वास दिखाया। पर आज 10 साल से सरकार धीरे धीरे धर्म के नाम पे लड़ा रही है, फिर महिलाओं को असुरक्षितता महसूस हो रही है, किसानों पे अत्याचार हो रहा है, और अभी हम देखेंगे कि जो देश का भविष्य होता है, जिससे देश के इतिहास लिखा जाता है, उस देश के भविष्य से खिलवाड़ करना शुरू है। क्योंकि अगर देश के भविष्य से अपन खिलवाड़ करते हैं तो पूरा देश बर्बाद होने को टाइम नहीं लगता। उनकी जो मेंटेलिटी है कि 400 लोग चुन के आने चाहिए, वो देश के नागरिक ने दिखा दिया कि 400 लोग आप चुन के नहीं ला सकते, कि देश आपके साथ नहीं है। तो आज उस देश के भविष्य को खराब करने के लिए उन लोग ने नीट के एग्जाम में धांधली किया। आप देखो कि जब कृषि प्रधान देश है, ये कृषि प्रधान देश होने के कारण आज 80% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार शुरू है। महिला जिसके 50% वोट्स होते हैं, जो घर को संभालती है, घर को संभाल के लेके चलती है, भविष्य देती है बच्चों को, उसके ऊपर अन्याय। मतलब ये बीजेपी सरकार जो है ये देश बर्बाद करने वाली सरकार है। देश को आधार जो दिया है वो कांग्रेस की सरकार ने दिया है। आज़ादी के इलेक्शन, आज़ादी के वक्त भी कांग्रेस सरकार आ गई थी, और आज बच्चों के भविष्य के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, यहाँ के महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए कांग्रेस सरकार हम Thank you.
आंदोलन का स्वरूप बड़ा ही तीखा था, इसके आगे का क्या रहेगा? नरेंद्र मोदी जी को सीधे से समझ में नहीं आता है ना, जब तक हम आक्रोश नहीं दिखाएंगे उनको समझ में नहीं आती चीजें। हमने देखा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आज आक्रामक स्वरूप जो है वो सभी ने देखा है। इसी तरह से अगर नीट के एग्जाम में धांधली चलती रही तो ये आंदोलन और भी आक्रामक होगा, इस तरह की प्रतिक्रिया कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से दी गई है। कैमरा पर्सन प्रवीण दुपारे के साथ सनी भोंगाड़े, शंखनाद न्यूज, नागपुर। क्या हुआ बहू? माँ पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है, इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड दिघोरी बस स्टॉप के पास नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepileshospital.com।